माँ के आप बहुत क्लोज हैं, क्या कहना चाहेंगे आप माँ के किरदार पर आपकी जिंदगी में? यह निजी सवाल आपसे। उनके मैं बहुत क्लोज हूं, मतलब मेरे लिए जो कुछ है या मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की वजह से हूं, मेरा तो वजूद उन्हीं की वजह से है। अगर वो नहीं होती तो मैं इस दुनिया में, मेरा अस्तित्व भी नहीं होता, और मेरी सबसे बड़ी ताकत वो रही है। मेरे लिए हमेशा से ये सोच मेरे जहन में थी। कोई एक ऐसा मोमेंट बताइए जब आपको लगा कि मैं बताता वो हूं। आप ही इमोशंस बताइए। मैं बताता हूं आपको। मेरे लिए मैं हमेशा इस बात को मैं मानता हूं कि बेटा बेटी अगर परिवार को आगे लेकर ना जा पाए तो कम से कम उस परिवार के नाम को खराब करने का भी कतई हक अधिकार उसके पास नहीं है। मुझे इस बात की तकलीफ थी, मेरे पिता के निधन के बाद मेरे ऊपर कई आरोप लगाए गए और मैं कई चीज़ों को मैं मानता भी हूँ कि पार्टी को नहीं संभाल पाया, परिवार को नहीं संभाल पाया, कई तरीके के आरोप मेरे ही परिवार के लोगों ने मुझ पर लगाए। बहरहाल जबकि ये जिम्मेदारी परिवार का बड़ा होने के नाते उनकी थी, मैं तो फिर भी दूसरी पीढ़ी का हूँ, छोटा था, बट बहरहाल इस बात की सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को हुई तो मेरी माँ को थी। पिता के जाने का, अपने पति को खोने का दुख तो था ही, बट उसके बाद जिस तरीके से परिवार टूटा और एक 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 करके सारी चीज़ें हाथ से गईं। मुझे वो एक रात अच्छे से याद है, 13 जून की रात थी, जब परिवार, जब पार्टी में टूट हुई और इवेंचुअली परिवार में भी टूट हुई। एंड आई हैव ऑलवेज सीन माई मदर वेरी स्ट्रॉन्ग, आई हैव नेवर सीन हर इमोशनल, सो शी वॉज क्राइंग इन वन कॉर्नर दैट नाइट एंड आई वॉकड अप टू हर रूम। मैं उनके कमरे में गया, मैंने उनको हग किया और मैंने बस उनको इतना कहा कि मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं आपसे वादा करता हूँ हर वो चीज़ जो आपने खोई है एक एक करके आपको हर वो चीज़ वापस लौटा कर दूंगा। कट्टू, जिस दिन मैंने शपथ ली उस रात वो मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने मुझे कहा कि जो जो चीज़ मैंने खोई थी आज तूने मुझे हर वो चीज़ वापस लौटा दी है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्षण था क्योंकि मैं जानता हूँ कि पापा के साथ उन्होंने हाइएस्ट ऑफ द हाई देखे थे बट मेरे साथ उन्होंने लोएस्ट ऑफ द लोज देखे। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी मेरी थी कि मैं अपने आप को साबित करके उनको दिखाऊं।